देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जैक ऑफिस के बाहर से, और यहाँ पर 11वीं में खराब मार्क्स देने का आरोप लगाते हुए छात्र जो है तमाम कॉलेजों से यहाँ पर मौजूद है, और इनकी मांग है कि चेयरमैन से इनकी मुलाकात करा दी जाए। 16 तारीख को ये जैक ऑफिस पहुँचे थे और इस दौरान उन्होंने घेराबंदी भी की थी, ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई इस बात को लेकर फिर से पहुंचे हैं और चेयरमैन से मिलने की मांग कर रहे हैं। छात्रों से बात करते हैं और समझने का प्रयास। तो कितना नंबर आया है आपको? मेरा 122 आया है। और कितने के एक्सपेक्टेशंस थे ऐसे? 200 मैक्सिमम। हाँ, तो कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे योगदा कॉलेज से जिनका नंबर ऐसे आया? 170 ऐसे। हाँ। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैक की तरफ से जो है वो गड़बड़ी की गई है? यस मैम। तो आप आए थे इससे पहले यहाँ पर? हाँ, 16 तारीख को चेयरमैन छुट्टी पे थे, कहा गया था कि मंडे को आएंगे और सारे विद्यार्थियों से बात किया जाएगा, परंतु अभी बात नहीं किया जा रहा है, मतलब चेयरमैन मिलने का एंट्री नहीं दे रहे हम लोग को। और अभी एक कोई अफसर आए थे कोई अपना प्रॉब्लम लेके, उनको मिलने दिया जा रहा है और हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है, और सुबह से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। और बताइए यहाँ कहाँ का इंसाफ है, ये पावर देख के आदमी झुक रहा है। और जैक मेन बात है मैम कि जैक हम लोग के लिए बनाया गया है, विद्यार्थी है तभी जैक है, और हम ही लोग को प्रॉब्लम दिया जा रहा है, मतलब हम ही लोग से नहीं मिलने, मतलब मिलना नहीं चाह रहे। कौन से कॉलेज से है? आपके कॉलेज में भी सेम ही कंडीशन है? क्या आपका मार्क्स कितना है? 100। और कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनका नंबर? लगभग 50%। 50%। हाँ। तो अभी सारे आप लोग सब साथ में इकट्ठा होकर अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए? क्या कहा जा रहा है? कहा यही जा रहा है कि 20 दिन का टाइम चाहिए इन लोगों को, पेपर के लिए रीचेकिंग करना है इन लोगों को, तो समय मांग रहे हैं। हाँ। तो अभी चेयरमैन से आज मिलने के लिए है, मुलाकात नहीं हुआ। यहाँ पे कितने संख्या में ऐसे छात्र हैं, क्योंकि ये अभाविप भी जो है वो संगठन जो है वो साथ दे रहा है छात्रों का, 16 तारीख को भी आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या लग रहा है अभी कितने छात्र यहाँ पर मौजूद और कितने छात्र ऐसे हैं? देखिए हम लोग 16 तारीख को किए थे, 16 तारीख को कम से कम 700 स्टूडेंट थे, आज भी सभी लोग आए हैं। अभी हमारी चेयरमैन से मुलाकात हुई है, चेयरमैन साहब ने क्लियर किया है कि 20 दिन मैक्सिमम टाइम लिया जाएगा, जिसमें इन लोगों का मैनुअली कॉपी चेक होगा, मैनुअली कॉपी चेक होने के बाद ये साइट पे अपडेट होगा नंबर, ठीक ना। फिर भी जो छात्र अपना नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे वो लोग अपना 50 रुपये का चलान कटा के अपना कॉपी देख सकते हैं। तो जैक के तरफ से इसका निदान दे दिया गया है, जो भी छात्र फेल हैं वो लोग अपना एडमिट कार्ड मार्कशीट वगैरह ला के यहाँ पे जमा करें, और दूसरे ज़िले के भी जो छात्र हैं वो लोग अपने DO ऑफिस में जाके जमा करें, वो 20 दिन के अंदर मार्क्स अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये पूरे राज्य भर से? पूरा राज्य का मामला है ये, कोई योगदा कॉलेज डोंडा कॉलेज का मामला नहीं है, ये ऑल ओवर पूरा झारखंड का मामला है। 5000 कुछ विद्यार्थी ऑल ओवर में फेल किए पूरे झारखंड में, तो 5000 विद्यार्थियों का फिर से जो लोग आवेदन करेंगे उन लोगों का कॉपी चेक होगा। तो 20 तारीख तक का समय दिया गया है, और 20 तारीख तक के समय के बाद ही जो मार्क्स है वो पूरा वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर मार्क्स अपलोड होने के बाद अगर जिन किसी को विद्यार्थियों को भी फिर से लगे कि उनके मार्क्स के साथ गड़बड़ी हुई है, तो वो 50 रुपये का चालान कटा के अपने मार्क्स की अपने कॉपी की पुनः जाँच करवा सकते हैं। तो ये समाधान जो है वो जैक की तरफ से यहाँ पर रखा गया है, और कहा जा रहा है कि पूरे राज्य भर में 11वीं के विद्यार्थियों के साथ ऐसी समस्या देखने को मिली थी, जिसको लेकर छात्र यहाँ पर सड़क पर उतरे थे और उन्होंने कॉलेज का घेराव भी किया जैक ऑफिस का, और आज फिर से एक बार इकट्ठा हुए अपनी मांग रखी, और अपनी मांग पूरी ना होने तक ये यहीं पर अड़े रहे। तो फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।